भाइयों बहनों, हमको मालूम है कि 2014 में हरियाणा की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया था और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार हरियाणा में हमने बनाई थी। ये अलग बात है कि सिरसा जिला उसमें शामिल नहीं था। भले ही ना हो, हमने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया और सिरसा जिले में भी उतना ही विकास कराया जितना करनाल में हुआ, जितना फरीदाबाद में हुआ, जितना गुड़गांव में हुआ, जितना बाकी सब जिले में हुआ, सिरसा में भी उसी प्रकार से हमने विकास कराया। चाहे वो सड़कें रही होंगी, चाहे पंचायतों को पैसा भेजने की बात कही होगी, चाहे बिजली 24 घंटे बिजली यहाँ आती है पूरी के नहीं आती है, आती है ना, कोई कमी तो नहीं है। अब तो कुछ किसान कहने लग गए, थोड़ी कम कर दो नहीं तो हमारा बिल ज्यादा आ जाएगा। इसलिए ये तो आपके अपने हाथ में है, हम तो लाइनें पूरी खोल के देंगे, क्योंकि इसमें सिरसा जिले ने सहयोग भी बहुत किया है। हमें यहाँ के किसानों की समस्याओं का भी पता है। किसानों के यानी जब सफेद मक्खी की जब अटैक हुआ था कपास नरमा पर, वो याद है हमको, 700 करोड़ रुपए का मुआवजा केवल सिरसा जिले में हमने दिया था भाई बहनों। इसलिए यहाँ की हर समस्या इसका समाधान करना ये हमारा काम है, यहाँ के विकास के काम हो या किसी भी वर्ग के, वो चाहे किसान हो, दुकानदार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर एक वर्ग की जो समस्या हमारे पास आती है ईमानदारी से उसको सॉल्व करते हैं। इसलिए हम तो आज आपके पास आए हैं कि अगर हमारी सरकार आपको ठीक लगी हो, पहले बताओ हमारी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है? संतुष्ट है तो फिर अगले 5 साल के लिए इस बार सिरसा जिला एकदम उल्टा करके और सब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का मन आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार का हाल बाकी सब पार्टियों में चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रोज रोज की खबरें आपके पास आ जाती हैं। हमारे इस यात्रा का इतना बड़ा समर्थन हजारों लोग जगह जगह कर रहे हैं, इसमें से सब विपक्षियों की जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब सब घबराए फिरते हैं, इससे गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, ये जोड़ तोड़ करो, अपने नेता को हटाओ, लीडर दूसरा बनाओ, अध्यक्ष दूसरा बनाओ। अरे युद्ध के मैदान में अगर यूं सेनापति घोड़े बदलते रहोगे तो क्या बना करोगे किसी का? इसलिए भाई बहनों, हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि अगले 5 साल के लिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए। मामला है और इस प्रकार से कोई भी संगठन है, कोई भी पार्टी है, अपने इस प्रकार के उनके संगठनात्मक जो है ना बदलाव चलते रहते हैं और कांग्रेस में चाहे वो किसी भी प्रकार का बदलाव करा ले, कांग्रेस का आज जो दिवालिया निकला हुआ है, कांग्रेस को जिस प्रकार से आज लोगों ने नकार दिया है, तो कांग्रेस उस समय हाशिए पर है, चाहे वो पुरानी उसमें बोतल में नई शराब डाल ले तो उसका कोई फायदा नहीं। वही कहावत है कि बोतल वही है और वो उसमें किसी भी प्रकार की अगर शराब डालेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस में किसी भी फेरबदल जो है ना वो हरियाणा में किसी भी प्रकार से इनके काम नहीं आएगा और हरियाणा की जनता ने जो मन बनाया हुआ कि अब की बार 75 पार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब की बार 75 पार लेकर के बहुत बड़े दमखम के साथ जो है ना हरियाणा के अंदर सरकार चुनाव लड़ेगी। 12 सीटें हमने अपनी चयनित कर ली हैं, उसमें से आज ये दूसरी सीट हाँसी में आके घोषित की है। 2 दिन के अंदर हम 12 सीटें पूरी घोषित कर देंगे और आगामी कड़ी के अंदर ऐसे कर करके हम 20-20-30-30 सीटें छाट रहे हैं हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए। खट्टर साहब ने जिस प्रकार हरियाणा के अंदर भाईचारे को खत्म कर दिया है, हरियाणा में शिक्षा और चिकित्सा को 0 स्तर पे पहुंचा दिया है, पेट्रोल और डीजल के भाव देखो आसमान छू चुके हैं, आज रुपया देखो डॉलर के मुकाबले में लुढ़क के 73 रूपये पार कर गया है, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से नीचे चली गई है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के सरकार जो मर्जी बोलती रहे, सरकार की मजबूती दिखते कि सरकार का रुपया कितना मजबूत है, सरकार की मजबूती दिखते कि उसके नागरिक कितने मुस्कुराते हुए हैं, क्या हरियाणा के लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही है, क्या हरियाणा के लोगों को हाँसी के लोगों को कानून व्यवस्था यहाँ पे मिल रही है, क्या यहाँ पे शिक्षा मिल रही है, चिकित्सा मिल रही है,
अरे हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया और आज एक समान की बात करते हैं। को रोक दिया हरियाणा के जनता ने, जिस प्रकार हरियाणा की जनता को इन्होंने बांट के रख दिया, इसी प्रकार खत्तर का रथ बिद्वारर 100% जीतेगा। पूरी जनता ने आज आपके सामने हाथ खड़े करके इनको आशीर्वाद देने का वचन वैसे मैं आपको इस रथ यात्रा के बारे में इतना बताऊंगा कि कितनी घटनाएं इस रथ यात्रा के अंदर आई। अगर मैं कोई काफला निकाल रहा हूं तो मेरे को पुलिस वाले एक मिनट में चलान करके इधर उधर जो है ना तितर बितर करने का प्रयास करेंगे। पूरा दिन रोड जाम रहता है, जहां से जहां तक कह करके, पुलिस वालों को कह करके रोड जाम कराया जाता है कि ताकि आगे और पीछे गाड़ियों का हुजूम लग जाए। नंबर दो, एक लड़का पहले दिन करनाल में मरा शॉर्ट सर्किट से, दूसरे दिन दूसरा लड़का जो है नाग लगा का सोनीपत मरा, तीसरे नंबर पर जो है ना तीसरे दिन चली यात्रा तो लठ बजा कैथल में, और आगे जो जहाँ जहाँ भी गए वो ठीक उसी प्रकार से जो है ना, चाहे वो महेंद्रगढ़ रहा चाहे कहीं भी रहा, लोगों में जूता बाजार पहले ही ओली। अब ये तो मुख्यमंत्री का काम नहीं था, ये रथ यात्राएं निकालना विपक्ष का काम होता है। मुख्यमंत्री या मौजूदा सरकार वो तो सिर्फ अपनी कार्यशैली पर और किए गए काम पर वोट मांगती है, शोबाजी पे नहीं, शोबाजी विपक्ष किया करता है। ये हम अपनी गाड़ियों का तेल अपनी जेब से पुआ रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। सारी मिनिस्ट्री पिछले 15 दिन से उसी काम पे लग रही है। ये 75 के बाद हुआ, वो ऐसे अमूमन पार ही हो जाता है व्यक्ति, कोई कोई जो बच जाता है वो उसका चांस जो है ना बैठ का अरेस्ट करने का आ जाता है। बाकी जो है ना ये 15 सीटें जो छोड़ रखी हैं ये मंत्री और चीफ मिनिस्टर की हैं, भाई ये तो जीतेंगे नहीं, क्योंकि अमूमन 15 सीटें वही छोड़ दी हैं 95 में से जो चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर बने। भीड़ से कोई अगला नहीं ना, मैं तो मानता हूँ ये परिभाषा नहीं, अब जिसको टिकट देते हैं वही जीत जाएगा, अब इसका अगला नहीं है। बीजेपी जिसको टिकट देगी 100% बन जाएगा, कोई बदकिस्मती हारेगा सब जीतेंगे, और जिसको अपने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए मत, और ऐसा ही बीजेपी करेगी भी। उनको भी एडजस्ट कर लेंगे, सबको कौन एडजस्ट करता है, सब तो नहीं हो पाएंगे, बहुत हो जाते हैं। और सही बात तो ये मेरा विषय नहीं बचला है कि नहीं कि मैं किसी टिकटों का फैसला करता हूँ, मैं तो खुद ही मांगनवाड़ी लाइन में हूँ।